वी आर लिविंग इंडिया, नाम रखियो अपना, जल्दी मिलेंगे। हे गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आर अनदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग गुड। सो चलो, बुलावा आया है, कनाडा ने बुलाया है। सो फाइनली, सत श्री अकाल जी। सो गाइस, वी आर लिविंग इंडिया एंड वी आर गोइंग टू कनाडा। सो गाइस, बैग बुक पैक हो चुके हुए नहीं एंड फीलिंग्स थानू शेयर नहीं कर सकते, थानू पता ही है फीलिंग्स। मतलब इंडिया छड़ के जाना, मतलब फैमिली तो बिना सारिया चीज़ा पता नहीं सर्वाइव हो पाऊगा, नवी जर्नी है, कर पावांगे नहीं कर पावांगे। तो वड्डी चीज़ पता की है यार, मम्मी बिना दिल नहीं लगना, राइट? अरे मम्मा दा वारिस बिना, साढ़े बिना, किसी बिना दिल नहीं लगना। मावा सच्ची बड़ा तगड़ा जिगरा लैके हम पैदा होंगी है कि इन्ना, मतलब अपने बच्चों को दूर रख के भी उन्होंने हमेशा उन्होंने याद तड़पदी हैं चीज़ा। यार मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा, मतलब मन सच्ची बड़ा है ही नहीं, वर्ड है नहीं, वर्ड्स है नहीं। है तुसी मजाक ही डाया करो। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं, मैं हंसे है, तुसी सीरियस गल्ला करने वाला बंदा। सही है, वर्ड नहीं होंदे ना चीजां नूं बयान करन लई। कुछ चीजां टाइम किन्ना हो गया चेक करो, सी कितनी जांदियां दसियां नहीं जांदियां। टाइम किन्ना हो गया चेक करो एक बारी, टाइम हो गया 2:31। सो गाइस, साडी फ्लाइट हैगी है इत्थों दी अमृतसर तों दिल्ली, दिल्ली तों फिर आपां जाना है कनेडा, मतलब दूजा पंजाब, बट फासले बड़े दूर दूर दे ने, है ना। मम्मा का मन पहले ही खराब है कि मम्मा का दिल बारिश बिना तो बिल्कुल ही नहीं लगना, इस करके वो वैसे ब्लॉग वगैरह के आते नहीं है। चलो बैग बुक पहले रख लिए, ऑलरेडी असं काफ़ी लेट हो चुके हैं, समान समान सारा गड्डी चखिया जा रहा वीरे, समान आ जाऊ सारा, मैं लगता नहीं पाया टच ही ज़्यादा है। दिक्की लग जानी अगे एक बंदे बैठने जगह हैगी पिछे। हाँ जी, कि मम्मा आंदे पे ने, रखो समान समून रखो, फिर टैची फड़ो करीब रख दो बोले। सो निहाल से निकलती, कुछ दूर चलते ही हमें भूख लग गई। रात के तीन बजे नहीं, हम नहीं, आप खा रहे हो, मैं जूस पी रही हूँ और मम्मा आपके खा रही हूँ। दो बार चक्कर खा के गिर चुकी हूँ, मैं ये सब खा नहीं पा रही, ये टैलेंट सिर्फ मेरे पास और किसी के पास नहीं है। मम्मी कह रही मैं कुछ नहीं खा रही, मम्मी खा के चुके। हाँ जी ड्राइवर साहब, कितना वधिया, तुसी दसो वधिया वधिया, कितना फिर सफर कितना जा रहा है? सफर अच्छा जा रहा है, तुहाडे सामने ट्रक चला रहे हैं। चकाई ज्यादा ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਟਸ ਇਹਦੇ ਟੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਨਾ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਨੀਚੋ ਚੈਸੀ ਜਾਂ ਚੈਂਬਰ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆਇਆ ਵੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। सो फाइनली आप पहुँच चुके हैं जी एयरपोर्ट एंड धन धन श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूर मिस तो नहीं करेंगे हैं, पक्का जाइए बुरे मेरे तुसी मिस लान नहीं दें पल्ली साइड ते, है ना, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल गया, सीएसएफ पार्किंग, गड्डी सीधी अंदर ले जा सकते हैं। सिटी जहाज दे बाहर ही जाकर हो। लो जी क्या बात है,
ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੱਚ ਇਧਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਇਧਰ ਲੋ ਜੀ ਉਤਰੀ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਹੈ बाय बाय रूप मम्मा ने मिलना नहीं पक्का मिल लिया अच्छा व्लॉग तुसी शूट कर भी लिया मैनू ही नहीं पता सीगा पाजी कहते ट्रॉली चेंज करनी पैनी है चेंज करनी पैनी है जी बाय बाय चलो जी पर नूर तो अंदर ही आ गई अच्छा नूर अपने नाल जा रही है कैनेडा है इमीग्रेशन दे काम तो फ्री होके आप आ गए इतने रूम च बेबी केयर वाले रूम च इतने बड़ा सोहना रूम है एंड इतने वारिश दा उन्हें पहले तो नैपी चेंज होया उस तो बाद इन्हें दूध वगैरह पीते है ना एंड थैंक यू भाजी और सब ठीक ठाक सो भाजी नाल साढ़े बाहर गेट तो लैके हुण तक नाल नाल आ रहे ने सत श्री अकाल अंकल जी आओ तो इंट्रोड्यूस करते हैं ना अंकल ने ये अंकल ने विपन चंद्र जैन एंड इन बारे मैं शेयर करदा अंकल आप कदों तो जानते हैं एक दूसरे नू थोड़ा लाउड बोलना पड़ना आवाज नहीं आएगी 15 साल पहले तो जानते हैं एंड उस टाइम मैं कटिंग विच सी मतलब मैं केस नहीं रखे हुए सी कि जब अंकल ने मिला सी है ना बिल्कुल ठीक ते तो उस टाइम मैं आई थिंक पार्किंग विच काम करता सीगा ते उदों कोई एक टाइम इदां दा सीगा अंकल ना बहुत हेल्पफुल ने मतलब उदों दा रिलेशन देख लो अजे तक साडा मतलब बिल्ड है कि जदों मतलब असी स्कूल वगैरह जांदे सीगे है ना ते नूर जिदा हुण दोनों सिस्टर्स हैं ते इको टाइम इदां दा सीगा कि कई बार कोई फीस वगैरह भी नहीं भर हुंदी सीगी ते अंकल एजुकेशन बोर्ड दे उस टाइम सैकटरी सीगे तां दैन इस टाइम उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साडी सपोर्ट की सीगी एंड थैंक यू मैं हमेशा शुरू तो इन्हां दी बहुत रिस्पैक्ट करदा एंड दैन अज सानू 10-15 साल हो चले ने एंड दैन वो रिलेशन अज भी उदा ही बरकरार है सहज भी बहुत है तो इहदा नाम ही सहज है ते इह अपने नाम नूं बिल्कुल चरितार्थ भी कर रहा है इह वैसे भी बहुत सहज है और सहज ने कभी भी मैनू अगर कितने जरूरत पई है किसी काम वास्ते मैं अगर फोन किया बुलाया या कोई स्नेहा भेजा तो यह भी भजे आंदा दिस इज सो नाइस ऑफ हिम परमात्मा इन बहुत बहुत तरक्की अंकल जी थैंक यू सो आप ज़्यादा लंबी गल नहीं करनी तुम समझ आ गई होनी तो आओ हम चलिए भुख भी लगी हुई है तो दैन भाजी हम आप कितने लैके जा रहे हो भाजी लॉन्च चलिए फिर आ जाओ आ गया जी साडा बैठन दे लई एरिया प्लीज थैंक यू भाजी मिलते हैं इस तो अगे दा रस्ता हुण साडे कल्लियां दा ठीक है जी ओके जी थैंक यू सो मच भाजी डेली फूड इज हेयर भुख इन्नी ज़्यादा लगी हुई है तो मैं क्या रहा नहीं जा रहा क्योंकि खाली पेट तुरे हुए आपां मज़ा आ गया बहुत अच्छा बनया लॉन्च है ना ਸਾਡਾ ਵਾਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਰੂਪ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਲੱਗੀ ਹੋਈ
आप लोगों को भू चलो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तक तुझे सारा सुन लो ठीक है आगे के कारण कप्तान ने टीवी बांधने के संकेत दे दिए हैं आप सबसे निवेदन है कि कृपया लॉन्च करें और अपना टीवी बांध लें इस समय पर प्रशासन सुरक्षा का उपयोग निषेध है धन्यवाद मौसम खराब हो गया मौसम खराब हो चुका है और उन्होंने सीट बेल्ट बांधने की और सीट बेल्ट बांधने का अनुरोध किया है एज वी आर एंटीसिपेटिंग बैड वेदर द कैप्टन हैज स्विच्ड ऑन द सीट बेल्ट साइन ऑल द पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन सीटेड गाइस वैसे तो एयर इंडिया कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं देती बट जड़ा इतों का क्रू है उन्हें सानू पहचानया दैन उन्होंने अपने वालों कॉम्प्लीमेंट्री सैंडविच दिता सीगा मल्टीग्रेन विच जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग्या दो सैंडविच सिगे एक नूर खा रही है एंड एक मेरे को आ गया एंड आ हैगी सी ब्रैड बहुत प्यार बहुत ही टेस्टी है स्वाद है नाल दिता उन्होंने एप्पल जूस सबसे पहले तो थैंक यू आपका फूड बहुत टेस्टी था जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री दिया बहुत अच्छा था एंड हेल्दी भी था है ना एंड नूर थैंक यू सो मच एंड मज़ा आया आ जाओ इनकी एंट्री वॉशरूम से हो रही है कोई नहीं तो इन्होंने बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करी थी प्यारे प्यारे बहुत ही इन्होंने बोला था हमें फोटो क्लिक करवानी है तो भैया भाभी यहाँ पे आ गए देखो फ्लाइट च बैठे बैठे बोर होने तो बाद इन्होंने मेकअप उतारना शुरू करता है फिर इस तो बाद मेकअप लगाना शुरू कर देगी इदा ही टाइम पास हो जाना है ना इन्हें फिर कनेडा पहुंच जाना है ना सही है बट फिर यह किट के समान भरिया हुआ जो थोड़े को किटा पाइया वह करना फिर सट देना हैगा डस्टबिन बुलावा अच्छा इदा भी होंगे कैनेडा आ चुके कैनेडा का एयरपोर्ट देखने वीडियो किसी होर तरीके का वा इतने होर ही तरीके का लग रहा उर्दू लिखी हुई है तुसी देखो इतने टिम होटल है उसके ऊपर उर्दू लिखी हुई है एंड उस तो बाद देखो गेट्स उर्दू इतने भी उर्दू उस तो ईद मुबारक आ हो की रहा कैनेडा के बदले यार ये दुबई उतार गए शारजा एयरपोर्ट ला गए हैं गल तो इन्होंने कैनेडा की बड़ी माड़ी हो गई